आइए, कुछ और लोग भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं, क्या मुद्दे इस बार निकाय चुनाव में। मैम, मेन मुद्दा तो पानी का है कि जी पानी की हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, पानी निकलता जा रहा है जमीनों में। अब आप देखिए किसी भी इलाके में चले जाए, किसी भी मोहल्ले में 350 से नीचे बोरिंग नहीं है। जितने पुराने बोरिंग थे 250 फुट के सब फेल हो गए। गवर्नमेंट को सबसे पहला काम नगर निगम को करना चाहिए, बोरिंग कराने से पहले वाटर हार्वेस्टिंग करानी चाहिए। जब तक ये बोरिंगों पर रोक नहीं लगेगा, हमारे को क्या चाहिए? जल ही हमारा जीवन है, जब पानी नहीं मिलेगा तो हमारा क्या फायदा? ठीक है, इस बार मुख्य मुकाबला कौन कौन सी पार्टी के बीच लग रहा है? मैडम, पार्टी का ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय पब्लिक का दिमाग सब चारों तरफ भाग रहा है, क्योंकि तो क्या चेहरा देखकर वोट करेंगे? ऐसा एक मेयर चाहिए जो आपके बीच आए या पार्टी देखकर? मैडम, कायदे में तो मेयर प्रत्याशी आप लोग कोई भी पार्टी उतार रही है, पब्लिक को मालूम होना चाहिए कौन मेयर है कौन नहीं है। अब हमें मान लो कोई भी पार्टी ए टू जेड, चाहे वो बसपा है, सपा है या बीजेपी है, ऐसा पार्षद वैसा कैंडिडेट उतारना चाहिए। पब्लिक जाने तो नहीं, 50% तो लोग जाने, खाली पार्टी के उससे मतलब नहीं है कि जी पार्टी के कार्यकर्ता ही जाने उसको। ठीक है, ठीक है, आप बताइए क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं निकाय चुनाव? मुद्दा, मेन मुद्दे तो सफाई के हैं और पानी के हैं। सारे नगर निगम ने, सारे पार्षदों ने मिलकर के पूरे इतने बोरिंग करा दिए हैं, जो बटन दबाओ और पानी निकलता जा रहा है, इतनी वेस्टेज पानी की है, वो किसी काम की नहीं। अब क्या सोचकर वोट करने वाले, कैसी आपको मेयर चाहिए? नहीं, मेयर पहली बात तो ये बात होना चाहिए कि पब्लिक को कि मेयर के काम क्या हैं। आज तक तो ये 5-6 चुनाव है मेयर का, आज तक हमारी गाजियाबाद की पब्लिक को यही नहीं मालूम कि मेयर के काम क्या होते हैं। फिर मेयर कभी भी मेयर कोई भी हमारे शहर में पैदल घूमा हो, कोई आया हो आज तक? यानी जब वोट चाहिए उसी टाइम आते हैं, उसी टाइम नजर भी मेयर कहाँ, वो तो गाड़ी में बैठ के निकल जाओ जल्दी। उसमें उसमें क्या होता है मेन रोड पे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए और लोग भी हैं यहाँ पर। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके निकाय चुनाव? मैम, एक्चुअल में सबसे पहले तो सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे नाले की सफाई नहीं होती, अभी बारिश आएगी सब पानी भर जाता है, उसको तरफ कोई नहीं ध्यान देता। अच्छा, कोई सा भी मेयर हो, 15-20 साल से मैं समझता हूँ बीजेपी का ही मेयर है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आपकी बार क्या उम्मीदें लगा कर बैठे हैं? अब हम तो पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, हम तो बीजेपी को देंगे, लेकिन इस तरफ ध्यान दिलवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप बताइए। सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण शहर में बिल्कुल भी, एक कहते हैं ना ब्लॉक हो जाता है, जैसे सारे रास्ते ब्लॉक हैं, कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं है, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये दो चीजों पे। तो मुख्य मुकाबला कौन कौन सी पार्टी के बीच इस बार लग रहा है आपको? सिर्फ भाजपा। ठीक है, आप बताइए क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? देखिए, मैं वोट कैसे करूंगा, पहली बात तो ये बात अलग है, हमें मेयर कैसा चाहिए। यहाँ पिछले 25 साल से एकमात्र एक पार्टी बीजेपी का मेयर है। अब 25 साल में कितना डेवलपमेंट होना चाहिए ये आपको भी पता है, 25 साल के अंदर। और रही बात मेयर कैसा चाहिए, मेयर चाहिए जननायक, जो जनता की आवाज़ सुने। अब ये नहीं कि अपनी पार्टी के पार्षदों के कार्य ज़्यादा हों, मैक्सिमम बजट उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता पार्षदों का ज़्यादा होता है, दूसरों को नकार दिया जाता है। अब मुद्दे क्या है, क्या सोचकर जाने वाले? नहीं, सोच के क्या, वो तो ऐसा है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारा गाजियाबाद ये टोटली भाजपा का गढ़ बन चुका है, इसीलिए सब भाजपा वालों को ये पता है कि हमारा कोई भी कैंडिडेट आ जाएगा जीतेगा, काम करें या ना करें, सबसे बड़ा मेन ये है। ऐसी मेयर चाहिए जो आपके बीच आए, चेहरा देखकर वोट करेंगे, पार्टी देखकर वोट करेंगे। 25 साल पहले भी काम होते थे, यहाँ चेयरमैन थे सूर्य प्रकाश गोयल, वो सड़क पर चलते थे, गरीबों की, सब्जी वालों की, ठेली वालों की, उनकी आवाज़ सुनते थे, और नगर निगम में नौकरियां भी देते थे वो ठेकेदार। मगर यह सिस्टम जब चेंज होता है ना, जननायक नहीं होता, गाड़ी वाला जब बंदा होता है, जैसे कहते हैं एसी वाले, मेयर की पोस्ट चेयरमैन से बड़ी होती है। तो जब से 25 साल से कब्जा हुआ है, तो भैया सबके दिमाग बदल जाते हैं कि अब तो हमारा एक छत्र आ जाए, ये गढ़ बन चुका है, चेंजेस चाहिए, परिवर्तन चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं परिवर्तन चाहिए। तो देखिए, आपने बहुत सारे लोगों की राय यहाँ पर सुनी, आइए आपको कुछ और लोगों के बीच लिए चलते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचकर यहाँ पर वोट करने वाले हैं। देखिए, काफ़ी लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि लोगों से उनकी प्रतिक्रिया को समझे, वो क्या सोचकर वोट करने वाले हैं, ये हम जानने की ग्राउंड जीरो से इस वक्त यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आइए कुछ और लोगों के बीच आपको लिए चलते हैं। आप यहीं के रहने वाले जी? कैसा काम हो रहा है शहर में? सही हो रहा है। खुश है मेयर के काम से? खुश हैं। अभी शहर की सरकार चुनेंगे, वोट डालने जाएंगे 11 तारीख को, क्या सोचकर जाएंगे, क्या मुद्दे हैं? बढ़िया काम हो रहा है, इसलिए
अब कैसी मेयर चाहिए जो आपके बीच आए, आपकी बातें सुने, शहर में विकास बढ़िया, करे? बढ़िया होना चाहिए काम। ठीक है ठीक है। तो देखिए इसी तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर जो अलग अलग राय लेकर यहाँ इस वक्त पहुँचे हुए हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और आपको दिखाते हैं कि जनता का मिजाज क्या है और क्या सोचकर जनता वोट डालने के लिए 11 तारीख को जाने वाली है। चूंकि गाजियाबाद नगर निगम की बारी और ऐसे में यहाँ पर एक पान की शॉप पर हम यहाँ मौजूद है, तिवारी पान भंडार, जहाँ एक भैया इस वक्त पान बना रहे। भैया कैसा काम हो रहा है शहर में? बहुत बढ़िया। अभी निकाय चुनाव है, 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे, क्या सोचकर वोट डालने वाले हैं? मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे विकास को लेके मुद्दे हैं जो कि इस समय चल रहा है सही ढंग से। मेयर कैसा काम कर रहे हैं आपके यहाँ पर? सही है। मेयर के काम से खुश है? हाँ। कैसा मेयर अब होना चाहिए? जो विकास और सही ढंग से काम करे जनता को देखते हुए, वैसे ही। ठीक, आइए कुछ और जगहों पर चलते हैं और आपको यहाँ पर भी आम लोगों से रूबरू कराते हैं कि क्या मुद्दे उनके हैं। ये लालमन लस्सी वाले जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, काफी फेमस है यहाँ की लस्सी गाजियाबाद में, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। आप यहीं के रहने वाले? गाजियाबाद की? हाँ जी, गाजियाबाद का रहने वाला हूँ जी। कैसा काम हो रहा है आपके? काम बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास है। नगर निगम के चुनाव है, आप क्या सोच कर जाएंगे वोट डालने? वोट डालना जाएंगे, जो भी अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट देंगे। अभी कैसा काम करें मेयर? अभी करेंगे, अभी जब चल रहा है इसका वो, उसके बाद। मेयर के काम से खुश है? नगर निगम अच्छा काम कर रहा है आपके एरिया में? अच्छा काम कर रहा है एरिया में, बढ़िया फर्स्ट क्लास। कैसा मेयर होना चाहिए? अब बढ़िया होना चाहिए जो काम कर रहा है हमारे इसके लिए, गाजियाबाद के लिए। शहर की सड़कें, लाइट, पानी, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया चल। खुश है आप मेयर? हाँ जी बिल्कुल। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कैसा काम हो रहा है आपके शहर में? बढ़िया काम चल रहा है। नगर निगम अच्छा काम कर रहे हैं? सड़कें, पानी की कोई दिक्कत परेशानी? जी सब अच्छा। अभी कैसा मेयर होना चाहिए? बस ऐसे ही होना चाहिए जैसे अभी चल रहा है फिलहाल, बहुत स्पीड से चल रही है सारी चीजें ना। अच्छा, सड़क, पानी की व्यवस्था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो कुछ नहीं? ठीक। तो देखिए लस्सी यहाँ पर बन रही है, एक बार जरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे और इस लस्सी को आप देखेंगे तो दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं वाकई, और देखने में भी टेस्टी लग रही है अभी आप देखेंगे। आप यही के रहने वाले गाजियाबाद? जी यही। कैसा काम हो रहा है आपके एरिया में? काम तो अभी ठीक हो रहा है। मेयर के काम से खुश है? मेयर के काम से अभी स्थानीय मुद्दे हैं जो नॉर्मली देखे जाते हैं, जैसे साफ सफाई का है। साफ सफाई का लेके अब जिस तरीके से जिसका काम होगा स्थानीय मुद्दों पे वोट दिए जाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी कैसा मेयर आपको चाहिए, कैसी मेयर होनी चाहिए आप? अभी मेयर ऐसी होनी चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा देखें इस टाइप से, क्योंकि गाजियाबाद में ज़्यादा चैन स्निचिंग के मामले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और साफ सफाई से रिलेटेड एजुकेशन में तो ठीक काम। इस बार कौन कौन सी पार्टी के बीच लग रहा है मुकाबला? इस बार मेनली तो बीजेपी का वो है, गाजियाबाद से तो मेनली वोट परसेंटेज उसी की ज़्यादा होती है। तो अब हमारे अब पार्षद का जो इलेक्शन है वो स्थानीय मुद्दे पर है, बड़ी पार्टी को तो देख के होता नहीं है। तो जहाँ तक एरिया वाइज होता है, हमारे यहाँ पे जैसे जगदीश भाटी जी खड़े हैं तो उनका ज्यादा वो लग रहा है संजय नगर से। ठीक है ठीक है ठीक है। आप यहीं के रहने वाले हैं? कैसा काम हो रहा है आपके एरिया में? काम अच्छा हो रहा। मेयर के काम से खुश है? नगर निगम अच्छा काम कर रहा है? बिल्कुल अच्छा। अच्छा, पहले से बदलाव हुआ आपके शहर में? बदलाव है। अब कैसा मेयर आपको चाहिए? जो पहला था वही चाहिए। अच्छा, अभी क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या सोचकर जाएंगे वोट डालने? पार्टी देखकर जाएंगे या जो चेहरा है वो देखकर? ना पार्टी ना चेहरा, काम देखकर। काम देखकर जाएंगे, आपका मेयर आपके बीच होना चाहिए। हाँ। ऐसा मेयर चुनेंगे? ठीक है ठीक है। तो लोगों को आप यहाँ पर सुन रहे हैं, कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी मैम। कैसा काम हो रहा है आपके एरिया में? मैम सही हो रहा है। अभी चुनाव है, 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे, और कैसा आपका शहर होना चाहिए, क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? मैम बस जनता के लिए साफ सफाई वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए, बाकी रूल्स और सिक्योरिटी सही होनी चाहिए। अभी पहले से व्यवस्था सुधरी है, सड़कों की हालत, पानी की दिक्कत परेशानी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? हाँ जी मैम, पहले से सुधरी है काफी। अच्छा, खुश हैं आप मतलब मेयर के काम से? हाँ जी मैम। आप कैसा मेयर चाहिए? मैम बस जनता के लिए काम करने चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है।